सर कुछ लोग स्पेशली चाय पीने भी आते हैं, मेरे साथ फोटो लेने भी आते हैं, और कुछ लोगों तो मेरी मतलब मेरी बातें और स्माइल अच्छी लगती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप बरेली चाय वाली छोड़ के मुस्कान चाय वाली नाम रख लिया कीजिए अपना। मेरे पास पान है, मसाला है, गुलाब है, चॉकलेट है, और कुछ टाइम के बाद और भी वैरायटीज़ बढ़ेंगी, कम नहीं होगी मेरे पास। सर 10 रुपये से स्टार्टिंग है, टोटल 25 रुपये तक की है मेरे पास चाय। सबसे है बेस्ट चाय कौन सा फ्लेवर होता है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? एक्चुअली कुछ लोगों को मेरी देसी चाय बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो जनरली मैं रेडी करती हूँ। भैया प्लीज़ कुल्हड़ इधर उधर मत फेंकिए, मैं खुद हाथ से उठा के रखती हूँ। आप इतना अच्छा चाय बनाती हैं, फिर आप दूसरी जगह क्यों जाती हैं? सर एक्चुअली मेन चीज़ ये, मुझे चाय पीने का चस्का बहुत ही ज़्यादा बुरा है, सच बताऊँ मेरे को। सर मेरे को, मैं सीरियसली जो मेरे दिल में चल रहा है वो मैं बताना नहीं चाहती, वो सरप्राइज़ है, जब मिलेगा तब मिलेगा। हम आपको आज बरेली शहर के विकास भवन रोड पर लेकर आए हैं, और यहाँ पर है बरेली चाय वाली। बरेली चाय वाली का जो फ्लेवर्स है बहुत ही लेटेस्ट फ्लेवर है, गुलाब चाय इनकी बहुत फेमस होती है, और एक मसाला चाय भी ये बनाती है। मैम बरेली चाय वाली एक ब्रांड बन चुका है, कैसे मन में आया और कब से ये काम कर रही हैं आप? सर मुझे चाय बनाने का शौक तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा, और मुझे अलग अलग तरीके की चाय टेस्ट करने का भी शौक है। अच्छा, तो मैंने सोचा मेरा जो चीज़ मुझे पसंद है, आप पसंद का काम करते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है। okay. मैं कोई और काम करती उसमें इंटरेस्ट नहीं आता मुझे, इसीलिए मैंने फिर इसको स्टार्ट किया। मैंने सोचा जब जो चीज़ आपको जो करना पसंद है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। और रही बात बरेली का, मतलब ये नाम देने का, ये एक्चुअली मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी थी, मुझे खुद का नाम देना था, बट मुझे ये नाम मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा, इसीलिए मैंने ये नाम इसका रख दिया। कितना टाइम हो गया ओपन करे हुए आपके इस स्टॉल को? मेरे को इस 5 तारीख को 1-2 महीने हो गए मेरे को प्रॉपर। अच्छा, कौन कौन सा फ्लेवर रहता है अपने पास? मेरे पास पान है, मसाला है, गुलाब है, चॉकलेट है, और कुछ टाइम के बाद और भी वैरायटीज़ बढ़ेंगी, कम नहीं होगी मेरे पास। तो स्टार्टिंग जब आपने ये शुरू किया था तो कैसे करके, क्या लोगों के कैसे करके कमेंट आ रहे थे? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने माइंड में तो मैं किसी को रखती ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग अच्छे आए थे, कुछ लोग बुरे भी आए थे, मुझे कुछ अच्छा बोलते थे, कुछ लोग सोचते थे बहुत गरीब फैमिली से हूँ, कुछ लोग ये लगता था मेरे पेरेंट्स नहीं है, कुछ लोग लगता था बहुत मजबूरी में कर रही हूँ, बट मजबूरी में नहीं कर रही मैं, ये मेरी पसंद का काम है, जो मुझे करना था मुझे अपना करना था। मैं बड़ी शॉप भी डाल सकती थी, मुझे नहीं डालनी पर, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने ये खुद से सेटअप किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली इसमें, ये मेरे खुद का काम है। अच्छा, किसी को देखा था क्या तब मन में ये विचार है? किसी को मैंने देखा तो नहीं था सीरियसली, क्योंकि जब मैंने ये सेटअप रेडी किया था तब मुझे सच में आइडिया नहीं था कि और भी चाय वाले हैं। अच्छा। मैंने जब सेटअप रेडी किया फिर मैंने सर्च मारा, मैं एक बार देखती हूँ कि और भी चाय वाले हैं भी या नहीं भी हैं, या जब मैं सोचती हूँ मैं पहली ही लड़की हूँ, तो मैंने देखा तो और भी लोग थे, तो मुझे और खुशी हुई कि जो जैसा मैं सोचती हूँ वैसे और भी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, फैमिली में कौन है जो आपको कोऑपरेट करते हैं, या कौन ऐसे हैं जो मना करते हैं इसको लेकर? मुझे इनफैक्ट मेरी स्टार्टिंग में मेरी मॉम को पता था, बाकी मेरे पापा को नहीं पता था, कि उस टाइम बहुत डरी हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कोई मुझे रोके, इसलिए मैंने नहीं बताया था, बट अब तो मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं। भैया प्लीज़ कुल्हड़ इधर उधर मत फेंकिए, मैं खुद हाथ से उठा के रखती हूँ, इसलिए मुझे अब तो कोई भी नहीं रोकता। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं मैं तब तक याद रखती हूँ, तो मेरे पास रहते हैं यहाँ से जाने के बाद, या वो लोग मेरे घर पे आके बोल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा फील कराते हैं मेरे मॉम डैड को कि मतलब तुम्हारी लड़की बहुत छोटा काम कर रही है, बट मेरे मॉम डैड का मेरा पूरा सपोर्ट देते हैं, वो लोग मुझे मना नहीं करते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ सोचते हैं करते नहीं हैं कुछ भी? सर मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि वो उन्हें भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से एक लड़की ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं लड़की ही चाहती हूँ, लड़का चाहूँगी सर तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं आज खड़ी हूँ तो कल को एक लड़की और आएगी तो उसको देखेंगी कहाँ ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, बट मैं काफ़ी टाइम से मैंने देख रही हूँ मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है मुझे। अच्छा, मुझे लगता अच्छा, आप रोज़गार भी देंगी? हाँ सर क्योंकि मेरी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो 3-4 दिन से मेरे को लेट हो रहा है, कभी जल्दी खोलती हूँ तो कभी लेट खोलती हूँ, कोई हेल्पिंग के लिए होगा तो मेरे को इतना क्या टाइमिंग रहती है? मेरी टाइमिंग रहती है सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक यहाँ की जो चाय का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो कैसा रहा? बहुत डिफरेंट है, पहली बार ही हम लोगों ने चाय पी थी, प्रशांत भाई हमें लेके आए जी, बोले यहाँ पे बरेली चाय वाली एक बहुत अच्छी लगी हुई है। अच्छा, मैं पहली बार ही आया हूँ जी, अभी तक तो सुना था कि बरेली चाय वाली है, आज चाय पीने का मन हुआ तो मन करा कि चलो वही पी जाए चाय। कौन सा फ्लेवर लिया था आपने? मसाला चाय पी थी, और अच्छी चाय थी, टेस्ट डिफरेंट था। हम लेते गुलाब, गुलाब चाय ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा फेमस है वो यहाँ की। अच्छा, कैसा लग रहा है चाय पीकर? ठीक लग रहा है, हम तो सिंपल चाय पीते हैं, गुलाब हमें पसंद नहीं आता। चाय बढ़िया है एकदम, अच्छी चाय फेमस है, लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे।
आप भी फर्स्ट टाइम में आए ना? मैं कई बार आ चुका हूँ। आ चुके हैं तो आप जो है अपने दोस्तों को लेकर आए? जी जी जी। क्या बोलेंगे? और बस कुछ पी लिए चाय? ना ना अभी तो हमारी बन रही है, मुझे थोड़ा मीठा ज्यादा। कहाँ से? चंडीगढ़ से भी नहीं आई ये तो। चंडीगढ़? अच्छा, आप लोगों ने बताया होगा इस एड्रेस के बारे में? अरे नहीं, कॉलेज मेट है ना। कॉलेज कॉलेज मेट है। अच्छा, इन्वर्टिस्ट में। इन्वर्टिस्ट में आप लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो चाय पीने का शौक चाय वाली जो है इनको देख कर आया था, इससे पहले भी चाय पीते? अरे नहीं नहीं, चाय हमारे पंजाब में चाय बहुत चलती है, चाय के सारे शौकीन हैं। कॉलेज में मैच खेलने आते हैं क्रिकेट। अच्छा। तो हाँ, जब भी हम क्रिकेट इधर खेलने आते हैं तब आ जाते हैं। मेरा नाम आसिफ अली है, मैं एक शिक्षक हूँ खलील इंटर कॉलेज में। हम लोग का ये सुना था कि चाय वाली एक बरेली चाय वाली है, उनके पास हम लोग आए हैं चाय पीने, और आज हम लोग गुलाब चाय जो है वो पिए। हाँ, उसका ऑर्डर दिया। ये माँ है? हाँ जी, मेरी मम्मी है। अच्छा मम्मी, क्या बोलना चाहेंगी? आज आपकी बेटी को पूरा बरेली शहर जानता है ना, और ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कहते हैं बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। आज आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी के हाथों की बनी हुई चाय लोग पीने आते हैं, और एक नाम हो गया, ब्रांड बन गया बरेली चाय वाली? क्या बोलना चाहेंगी, आज अपनी बेटी को देखकर कैसा लगता है? गर्व होता है, नाज होता है बेटी हो कि हाँ बेटी है, बेटे से कम नहीं है। हमने अपनी बेटी को कभी बेटों से कम समझा ही नहीं, ना ही ऐसी परवरिश दी कि जिससे कि वो घर में ही कैद होकर रह जाए। जो पहनो, जो खाओ, जिससे बोलो, जहाँ उठो, जहाँ बैठो, कोई पाबंदी नहीं। लोगों ने ये नहीं कहा, फिर आपके रिलेशन के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको ये कमेंट तो किया होगा, उन्होंने ये कहा होगा कि अरे आपकी बेटी चाय बेचेगी? ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। जमाना हमसे है, हम जमाने से थोड़े ही नहीं है। हमें अपना देखना है, हमारे घर में चूल्हा जलेगा तभी खाना मिलेगा, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, देने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। अगर हमें जरूरत पड़ जाए क्या बोलने वाले दे जाएंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं देंगे। तो सुनने में क्या है? आज कितने लोग हैं घर में? मम्मी मेरा वैसे कहाँ देगा, काफ़ी बड़ा परिवार है, और वैसे मेरी दो बेटी हैं, दो बेटे हैं। बड़ी बेटी हैं ये? हाँ, ये बड़ी बेटी है। अच्छा। और एक बेटी की मैंने बारात कर दी, उसने पढ़ाई छोड़ दी तो उसकी बारात कर दी। बेटे हैं? बेटे मेरे हैं, बेटे छोटे हैं, छोटे बेटे दोनों बेटियों से। हस्बैंड हैं? हाँ, हस्बैंड भी हैं। रजनी, क्या पढ़ाई उड़ाई के बारे में अगर थोड़ा सा मैं जानकारी लूँ तो कहाँ तक कर ली? सर मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया, बाकी मेरी पढ़ाई चल रही है। इस टाइम चल रही है, साथ में पढ़ाई भी है? हाँ, मेरे मामू ही मतलब मुझे पढ़ाते हैं, तो मुझे इतना टफ नहीं होता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उन्हीं से पढ़ती थी, बाकी मुझे टीचरों का समझ में नहीं आता। अच्छा। इसीलिए। तो इसको कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं इस बिज़नेस को, या फिर आगे कुछ और करने के प्लान हैं? सर मेरे को, मैं सीरियसली जो मेरे दिल में चल रहा है वो मैं बताना नहीं चाहती, वो सरप्राइज है, जब मिलेगा तब मिलेगा। एक्चुअली ऑडियंस हमारी जो है, अच्छा फोन पे भी हो जाता है सब? हाँ। कुछ है ना, सब अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑनलाइन सारा कुछ है। क्या अमाउंट रहता है अपनी चाय का? सर 10 रुपये से स्टार्टिंग है, टोटल 25 रुपये तक की है मेरे पास चाय। सबसे है बेस्ट चाय कौन सा फ्लेवर होता है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? एक्चुअली कुछ लोगों को मेरी देसी चाय बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो जनरली मैं रेडी करती हूँ। बाकी और भी चाय मतलब जिसका सर अपना अपना टेस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये चाय पसंद नहीं है, वो चाय पसंद नहीं है, सबका अपना अपना टेस्ट। क्या मसाले उसाले बनाती हैं कुछ अपने हाथों के तैयार किए हुए कुछ ऐसा, कैसे स्वाद आ जाता है, क्या होता है उसमें? सर मैं एक्चुअली कुछ तो पत्तियाँ मेरी रेडी करी होती हैं, आती हैं, बट उनको मैं और रेडी करती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर वो टेस्ट मिलना चाहिए जो मुझे चाहिए, और इसीलिए सर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। बट एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं खुद इतनी बड़ी चाय की शौकीन हूँ पीने वाली, मैं कहीं चाय पीने जाती हूँ तो वो मुझे ऐसे देखते हैं, भाई मैं टेस्ट लेने नहीं जाती हूँ उनका, भाई मुझे शौक है चाय पीना। शादी का जब वक्त आएगा और वो लोग कहेंगे नहीं आपको ये स्टॉल बंद करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप? सर मेरी वहाँ पर कंडीशन सर यही रहेगी, जो बंदा मेरी चीज़ को लेकर समझेगा वो मेरे लिए, उसके लिए मोस्ट वेलकम है, बाकी दूर से हाथ जोड़ लेती हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है फैमिली में? मम्मा तो साथ में ही है, और पापा कॉपरेट करते हैं? सर मेरे मॉम डैड बाकी मुझे बराबर प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं, देखिएगा, आइए आइए चाय पीकर जाइए। मेरी तो बस एक ही राय है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय है। देसी चाय 10 रुपये, गुलाब चाय 20 रुपये, और पान चाय 20 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये।